नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अंतिम समय में पास खड़े हुए शिष्यों की जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि गुरुदेव कुछ उपदेश देकर जाएं। कन्फ्यूशियस ने शिष्यों से पूछा कि देखना मेरे मुंह में जीभ है या नहीं, यह कहकर उन्होंने मुंह खोल दिया। शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि हमारे मार्गदर्शक ने यह कैसा अजीब सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, जीभ तो आपके मुंह में ही है। कन्फ्यूशियस ने थोड़ी देर रुककर पूछा, मेरे मुंह में दांत है या नहीं? शिष्यों ने उनके मुंह में देखकर कहा, यस, आपके मुंह में दांत है। तब कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा, जीभ तो मेरे जन्म से पहले ही मौजूद थी और दांत तो बाद में निकले थे, फिर क्यों कम उम्र वाले दांत पहले चले गए और जो पहले पैदा हुआ था वह अब भी मौजूद है, यानी जीभ? शिष्यों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्हें चुप देखकर कन्फ्यूशियस ने कहा, बच्चों, जीभ कोमल होती है, दांत कठोर, क्रूर और निर्मम है। इस वजह से दांत टूट गए और जीभ का अस्तित्व बना हुआ है। तुम भी जीभ के समान सरल और कोमल बनो। और कन्फ्यूशियस से अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। क्या सीख मिलती है? अपने स्वभाव को सरल और कोमल बनाओ। आप आज ही ये नुस्खा अपना के देखिए। आप किसी की तारीफ करके देखिए, वो आपको धन्यवाद कहेगा, बदले में आपकी तारीफ करेगा। आप किसी के लिए दो शब्द अच्छे कहकर तो देखिए, पीठ पीछे किसी की तारीफ करके तो देखिए। कटु शब्द बोलने से बढ़िया ये जीभ से कोमल शब्द क्यों नहीं बोला जाए। अपना जीवन जीभ की तरह बनाइए, कोमल बनाइए, जिससे कोई राह के कांटे, परेशानियां, संकट और बाधाएं आए नहीं, और आए तो आसानी से उसका समाधान आप खोज सके। उम्मीद है आप इसे अनुसरण में लेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार।